हेलो फ्रेंड्स, आज रितिशा आपको फ्लावर्स एग्जीबिशन दिखाने वाली है। हाय, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स हैं, आइसक्रीम, यहाँ अलग अलग कंपनीज ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर भगवान जी की मूर्तियाँ भी हैं। चलिए लेकर चलते हैं आपको एग्जीबिशन की तरफ। तो सबसे पहले हम गए यहाँ, बहुत सारे यहाँ कितने सुंदर मंडप बने हुए हैं। एक फ़ोटो क्लिक तो ज़रूर बनती है यहाँ पर मम्मी और मामी के साथ। ये मेरी मौसी भी हैं साथ में। और देखिए और भी लोगों की डेकोरेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और अब हम बढ़ते हैं आगे, तो देखिए यहाँ कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर प्लांट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं। यहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन होता है जिसमें कि सारे बहुत सारे फार्मर्स आते हैं, तो अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को, फ्लावर्स को डेकोरेट करते हैं। फिर उनके अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छी डेकोरेशन करता है उसके अकॉर्डिंग उनको वहाँ प्राइज मिलते हैं। तो ये सारे जो भी आप देख रहे हैं, येलो, पिंक, ब्लू, वाइट, ये सारे जितने भी टैग्स हैं इनमें सबके बॉटनिकल नेम लिखे होते हैं। और सारे प्लांट्स के हिंदी नेम होते हैं और बॉटनिकल नेम। और फिर यहाँ पर आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई अपने घर को डेकोरेट करने के लिए फ्लावर्स चाहिए या फिर प्लांट्स चाहिए तो आप डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए ये सब कितने अच्छे से प्रॉपरली वेल मैनेज्ड हैं, और इनको देखने में ही पता चल रहा है कि यहाँ कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग है। ये जो फ्लावर एग्जीबिशन लगी है ये ताजमहल के बहुत ही नियर बाई प्लेस पर लगती है। तो ये जनरली ताज महोत्सव लगता है उसी ड्यूरेशन में, साथ में लगती है। तो इस बार ताज महोत्सव नहीं लगा है तो सिर्फ फ्लावर शो लगा है, जिसमें फ्लावर शो नहीं होता, सिर्फ फ्लावर शो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एग्जीबिशन होती है। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट बहुत ही सारी बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के अलग अलग पौधे लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, अंजीर का जैसे आप पढ़ सकते हैं, जैस्मीन, तो ये सारे इनके बॉटनिकल नेम्स हैं। तो आप अभी तो इनको अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि ये चीज़ ये है, क्योंकि फार्मर्स को पता होता है कि ये कौन कौन से प्लांट्स हैं। यूकेलिप्टस आपने सुना होगा, नीलगिरी, इंसुलिन जो कि डायबिटीज़ के लिए यूज़ होता है, तो ये सारी बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो आप इनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। शैतान की झाड़ जैसे हिंदी में देखी, ये जामुन का आपने बहुत ही अच्छे से इसको देखा होगा, इन प्लांट्स को। अभी तो ये छोटे छोटे हैं, जब इनको हम बड़ी स्पेस पे लगा देते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। बांस का पेड़ जैसे आप ये नेम पढ़ पा रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा, बहुत ही ज़्यादा डीपली नहीं दिखा रही मैं क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, बट स्टिल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि फ्लावर शो कैसा होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ताकि आप अपनी नेचर को जान पाएँ। इतने सारे फ्लावर्स हमारे यहाँ, इतने सारे प्लांट्स की वैरायटीज हैं, सो दैट कि आपको देखने में बहुत मज़ा आए। आगे बढ़ते हैं हम फ्लावर शो में। देखिए, देखते जाइए कितना ये ब्यूटीफुल है। और मैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा रितिशा ने इंजॉय किया क्योंकि उसको बहुत दिनों बाद एक बार एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मिला। कोविड के टाइम पे तो कोई वैसे भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन अब इतनी सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखकर तो हर किसी का मन कर जाए कि घूमने जाना ही है। तो देखते जाइए कितने सारे यहाँ पर मैरीगोल्ड की डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। और आपको पता है यहाँ अभी आपको वेजिटेबल्स भी देखने को मिलेंगी जिनकी बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव वैराइटी है। और देखिए अब यहाँ पर एक आया, यहाँ पे आलू महोत्सव, यहाँ बहुत सारे पोटैटोज़ की वैराइटीज़ थी। अब नेक्स्ट आया, यहाँ पर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें आपको फ्लावर से माला, फ्लावर ज्वेलरीज बनानी होती है, डिफरेंट डिफरेंट जो शादी में माला यूज़ होती हैं दूल्हा दुल्हन के लिए, डिफरेंट टाइप के बुकेज बनाने होते हैं। तो यही सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इस फ्लावर शो में। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, और मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि हर किसी को एक बार विज़िट करना चाहिए। यहाँ पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी होता है, तो देखिए आप देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर मुझे घूमने में, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ मैं। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ सिक्योरिटी रखी जाती है काफ़ी अच्छे से, सो दैट कि कोई इनको छेड़े नहीं, ख़राब नहीं करें। और यहाँ पर ये गवर्नमेंट का एग्जीबिशन है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये गवर्नमेंट लेवल पे होता है तो आपकी एक रिकॉग्निशन भी बढ़ती है। तो देखिए आप देखते जाइए,
अब ये देखिए यहाँ पर ये रंगोली कंपटीशन है, इसमें आपको कलर से फ्लावर से अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी दिखाई और आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल किसी ने बच्चे ने ये राम मंदिर बनाया है, जो कि आज सबसे ज़्यादा टॉप बर्निंग टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं किसी ने फ्रूट से बनाया है रंगोली, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। देखिए आप बच्चों ने कितनी मेहनत की है, खुद आप देखकर अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कितने एफर्ट्स लगे हैं इसके लिए। और बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, फिर इसके कॉम्पिटिशन में फिर विनर्स डिक्लेयर होते हैं और यहाँ पे शील्ड मिलती है और आपको एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। वाओ सो ब्यूटीफुल। देखिए ये तो हमारी रेडिश से किसी ने डॉल बनाई थी, किसी ने उसका सर ही तोड़ दिया। आप देखिए फ्लावर से कितनी ब्यूटीफुल रंगोली है। ओ वाओ जस्ट नाइस ब्यूटीफुल सो नाइस वाओ वाओ दिस इज अमेजिंग सो क्रिएटिव। ओम देखिए ओम बना हुआ है और ये देखिए कितने छोटे छोटे कितने क्यूट सी रंगोली है इसमें गणेश जी। वाओ कोविड 19 के ऊपर भी सो क्रिएटिव वाओ सो नाइस। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे फ्रूट्स की वैरायटीज़। देखिए ये सारे कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। ये देखिए पपाया, ये हो गए हमारे बेर, इसको आप बोलते हैं बेर बोलते हैं ना, मीठे खट्टे छोटे से। ये ऑरेंज की वैरायटी, ये लेमन, ये आई थिंक ये टोमेटो Yes. And अभी आपको देखने को मिलेगी बहुत ही ज़्यादा, पता है आपको ये 15 kg की रेडिश थी मूली जिसको बोलते हैं। और देखिए ये इतनी बड़ी इतनी हैवी है कि छोटी सी मैरितिशा मेरे साथ खड़ी की तो ऐसा लगा मैं इसके बराबर हो गई और मैं अपनी मम्मा के साथ खड़ी हूँ यहाँ पर। अब डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ देखिए कैबेज, तो रेड ब्लैक एंड ग्रीन तो सबने देखी ही होती है, शिमला मिर्च। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल और कितना अच्छे से सारी वेजिटेबल्स वेल अरेंज्ड हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ आप देख सकते हैं। इतनी सारी पोटैटोज़ की वैरायटीज़, ये सारे हमारे कॉलीफ्लावर एंड डिफरेंट, क्योंकि मैंने बताया कि ये कॉम्पिटिशन है तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग फार्मर्स आते हैं, अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी अलग अलग अपनी जो भी दिखाते हैं कि हमारे यहाँ यहाँ पर ये पोटैटोज ने। अगेन हाई टू एवरी वन, हेलो लव यू। वाओ सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो हम इन्हीं सारे फ्लावर्स से बुकेज बनाते हैं। और देखिए कितने ब्यूटीफुल डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज कलर्स ऑफ फ्लावर्स हैं, वेल अरेंज, क्योंकि कॉम्पिटिशन है तो हर कोई इनको अच्छे से देखना चाहता है, तो इसलिए वेल अरेंज रहते हैं एंड प्रॉपर इसकी बैरिकेडिंग की हुई है सो दैट कि कोई इनको हाथ ना लगाए और दूर से ही देखे। देखिए कितने सारे रोजेस डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, वाओ जस्ट अमेजिंग, आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट। वाओ वाइट रोजेस, वाओ वाओ मौसी, चलिए हम ये देखते हैं। वाओ सो ब्यूटीफुल, कितना अच्छे से इसको बनाया हुआ है, एक पहाड़ जैसा पूरा फ्लावर्स का, सो ब्यूटीफुल। वाओ कितना अच्छे से वेल डेकोरेटेड है, वेलकम मामी मौसी मम्मी, हम सब घूमने गए थे यहाँ, कितना हमने इन्जॉय किया। देखिए अब देखते जाइए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये पूरा, और डिफरेंट डिफरेंट जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपने स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं, डिफरेंट उन्होंने खाद के लिए और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप ले सकते हैं यहाँ से। कितना ब्यूटीफुल देखिए किसी ने कलश बनाया है, हर कोई यहाँ इंजॉय कर रहा है, कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है, कितना अच्छे से पूरा बैकग्राउंड। अरे वाओ पीकॉक्स, फ्लावर से बना हुआ पीकॉक आप देख सकते हैं। और देखिए और भी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ, अलग अलग सारे लोग पिक्चर्स लेने में लगे हुए हैं। कलश देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर, और पूरा आप देखते जाइए, बस मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। एक यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेगा कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुली कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन का बनाया हुआ है, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक बहुत सुंदर डॉल बनाई हुई है जो कि पूरी तरीके से फ्लावर से डेकोरेटेड है। अभी मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ, फिर हम बहुत सारी वहाँ पिक्चर्स भी क्लिक करें। तो ये देखिए आ गई डॉल, और डॉल के साथ दूसरी डॉल साथ में आएगी अभी आप देखिएगा। ओ वाओ, सो नाइस। देखिए मामी और मैं एक ही सेम पिक्चर पर, सो नाइस ऑफ इट। एंड देखिए किसी ने पालकी भी डेकोरेट की हुई है, किसी ने क्या, यहाँ के डेकोरेटर्स ने किया है, सो ब्यूटीफुल। एंड अब देखिए मामी मेरे दिखा रहे हैं इसको, और अब आगे हम ले चलते हैं आपको और भी जगहों पे जो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। एंड मुझे लग रहा है कि शायद अब थोड़ा हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो निकलते हैं अब घर के लिए। तो और भी चीज़ें मैं आपको दिखाते जाती हूँ, आप देखते जाइए इस वीडियो में। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स लगे हैं, सब लोग अपनी चीज़ें प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंट होटल्स भी यहाँ अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं फ्लावर्स की भी, कैसे वो अपनी बालकनी में आगे अपना बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली बनाते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, हर्चरिंग नेचर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्ज़िट आने वाली है, बट ठीक है हम देखते चलते हैं। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट फार्मर्स ने अपनी शॉप्स, हाँ यहाँ देखिए मैंने बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी सारे झूले लगे हुए थे, तो इसमें मैं बैठी हूँ कार के अंदर और झूल रही हूँ। देखिए मैं येलो ड्रेस में कार में इतनी ज़्यादा खो चुकी हूँ। नेक्स्ट झूला देखो, यहाँ पर ये इतने सारे झूले और छोटी छोटी स्टॉल्स लगी थी, और आइसक्रीम, वाओ माय फेवरेट। अब मैं जाने वाली हूँ, गेस करिए किस झूले में झूलने वाली हूँ मैं। अब मैं जाने वाली हूँ ट्रेन में, यही ट्रेन जो वहाँ आप देख पा रहे हैं। देखिए आ गई मैं इस ट्रेन में, अब ट्रेन चलेगी चुक 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 चुक, बस चल दी मेरी ट्रेन। और मैंने रियली बहुत इन्जॉय किया फ्लावर शो नहीं बोलेंगे इसको, फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एग्जीबिशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एग्जीबिशन अपने नेचर को जानने के लिए, नेचर में नेचर के गिफ्ट्स जो कि हमारे लिए हैं। और अब देखिए मैं आ गई एरोप्लेन में, एरोप्लेन में बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ। और शायद बच्चों को क्या ही चाहिए, मेरे जैसे बच्चों को, हम तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं जब हमें छोटे छोटे हमें एरोप्लेन्स मिल जाते हैं। अभी तो बड़े एरोप्लेन्स का हमें याद ही नहीं रहता, इन छोटे वाले एरोप्लेन्स में ही हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। वाओ, सो नाइस। अब सारे बच्चे उतर गए थे, मुझे मौका मिला था कि मैं और भी ज़्यादा इंजॉय कर पाऊँ, तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ किया, और मैंने बहुत मज़े किए, मज़े आ गए बस इस फ्लावर शो में। आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़े आए होंगे पूरा फ्लावर शो। मैं ऐसी ही अपनी विजिट्स की वीडियोस लाती रहूँगी, तो देखते रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।